स्टूडेंट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आज जो इलस्ट्रेटर का हमारा टॉपिक है वो नियॉन ग्लो है। इसमें हालांकि इतना पावरफुल नियॉन ग्लो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें वो चीज़ों का इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन एक सिंपल सा नियॉन ग्लो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप बने बनाए नियॉन ग्लो इलस्ट्रेटर के यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए। ठीक है, इसमें जो है आप जो नियॉन ग्लो यूज़ करेंगे उसमें ग्लो के इफेक्ट होंगे, नियॉन के इफेक्ट होंगे, ऑफसेट सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्लर आपका इम्पोर्टेंट है, लाइटनिंग इफेक्ट के लिए भी, टैक्स इफेक्ट के लिए भी। अगर हम देखें अपना इलस्ट्रेटर, जब तक इलस्ट्रेटर हमारा खुला है थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। नियॉन ग्लो बेसिकली इसमें जब आप लेते हैं तो आप कोई भी चीज़ जब टाइप कर रहे होते हैं उसके बाद आपने उसको जो है क्या करना होता है, उसके बाद आपने उसको ऑफसेट देना होता है। ऑफसेट से आपके एक अंदर उसके अंदर एक लेयर आ जाती है, उस लेयर पे आपने काम करके और उसकी जो है वो कलरिंग करनी होती है, फिर एडिट कलर करके उसको चेंज करके आप उसका ग्लो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने इलस्ट्रेटर पे। इलस्ट्रेटर लोड हो रहा है अब तक, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है आपको वर्क करना है। सबसे पहले एक आपको आर्ट बोर्ड लेना है, उस आर्ट बोर्ड पर आपको जो है टेक्स्ट लेना है। आप वही काम अपना ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हो, वही काम अपना टेक्स्ट से भी कर सकते हो। यहाँ पर हम टैक्स लेते हैं, टैक्स में हम जो है यहाँ पर ले लेते हैं जनाब, प्रिंट है, मोबाइल है, ये प्रिंट में जाते हैं। प्रिंट में जाके मैं यहाँ पर A4 ले लेती हूँ और लैंडस्केप कर लेती हूँ क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ ली, फर्ज करें मैंने यहाँ पर जो है लिखा जस्ट म्यूज़िक। ठीक है ना, ये जस्ट म्यूज़िक मेरा यहाँ पर है, मैंने इसको जो है बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद मैंने इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसके बाद एक लेयर ऐड कर ली हमने ताकि हमें ब्लैक पे वो इफेक्ट देखना हो तो हम किस तरह से देखेंगे। यहाँ पर जो है मैंने इसको एक जो है सिंपल सा यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है ना, ब्लैक आ गया यहाँ पर। ब्लैक आने के बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सेट कर लें। ठीक है, यहाँ पर इसको भी सेट कर लें। ब्लैक बैकग्राउंड को आप जो है लॉक कर दीजिए और ये कर दीजिए क्योंकि अभी हमें काम इस पर। ठीक है, आपने ये ले लिया। यहाँ पर कोई कलर आपको देना है तो आप जो है वो कलर आप दे सकते हैं। यहाँ पर कलर देने के लिए आपके पास यहाँ पर मौजूद है कि आपने फर्ज करें यहाँ पर ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, और इसको आपने राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर दिया क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये क्रिएट आउटलाइन भी हो गया और यहाँ पर ये भी हो गया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए ग्लोइंग जो है वो सिंपल आपकी उस तरह की तो नहीं आती है जिस तरह आपकी फ़ोटोशॉप में आती है, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके ऑफसेट से ग्लोइंग जो है वो बना सकते हैं, ग्लोइंग कर सकते हैं। प्रीव्यू में जाएंगे, प्रीव्यू में जाने का अगर बाहर की तरफ देना है आपको ग्लोइंग तो ये होगा, लेकिन आपको क्योंकि अंदर की तरफ देना है तो नेगेटिव में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, नेगेटिव में जाके आप देख लें कितना आपको रखना है, कितनी आपकी वो चीज़ें हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देख लें आप जितना आपको रखना है आप उतना वो उसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आपका आप ये देखिए, ये अलग है और नीचे एक अलग लेयर है। ठीक है ना, आपने यहाँ पर जो है इसको ये लिया आपने यहाँ पर। अब देखिए अभी ये एक है, ठीक है ना, अभी आपके पास एक है और ये एक चीज़ आ रही है। ठीक है, लेकिन आप जब इसको लेंगे यहाँ पर अनग्रुप करेंगे तो आपके पास ये दो चीज़ें, ठीक है ना, एक ये है आपके पास, इसको सेलेक्ट कर लिया अंदर वाली चीज़ को, इनर वाले ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है ना, अब तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, टेक्स्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको मैंने ग्रुप कर लिया कंट्रोल जी से। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये एक इनर है मेरा, ठीक है ना, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक मेरा आउटर है। ठीक है, इसको भी कंट्रोल जी कर दिया मैंने और ये मेरा आउटर है। ठीक है ना, इसको मैंने लिया यहाँ पर और यहाँ पर लेने के बाद इसको मैंने यहाँ पर मैं दोबारा से आई अपने स्विचेस पे। ठीक है, और स्विचेस पे आके इसको मैंने लाइट कलर दे दिया ताकि इसके अंदर कुछ ग्लोइंग का इफेक्ट आए। ठीक है ना, ये इस तरह से दे दिया आपने, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी। अब आप बाहर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसमें ब्लर का इफेक्ट देंगे। हाँ जी, गाशियन ब्लर। ठीक है ना, गाशियन ब्लर में प्रीव्यू कर दें आप, ये इस तरह से आपका आ गया, ये इन साइड है। अगर मैं यहाँ पर अभी
लेयर के पैनल में से जाके ब्लैक ऑन करूँ अपना वो लेयर, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि आपको ग्लोइंग नज़र आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये ग्लोइंग नज़र आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर इनर में आएंगे आप। इनर में आने के बाद आप जो है इसको भी जो है यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट में जाके आप यहाँ पर ब्लर कर दें और गार्शियन दे दें। गार्शियन का प्रीव्यू बहुत ज़्यादा है, या आप इसको कम करें, अंदर की साइड पर आप यहाँ पर कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको ओके कर दें आप। तो इस तरह से ये आपका ये आ गया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर आते हैं ये पीछे वाले पे, जो आपका ये है यहाँ पर, ये पीछे वाला, सॉरी ये वाला यहाँ पर, इसको आप ले लें यहाँ पर, पीछे वाला है ना, नहीं इसको आप, ठीक है ना, इसको आप ले लें यहाँ। कंट्रोल जेड किया मैंने ये, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया ये, और यहाँ पर मुझे ये सेलेक्ट करना, अभी भी ये सेलेक्ट नहीं हुआ। शिफ्ट दबा के ये मैं लेती हूँ, और उसके बाद ये लेती हूँ, हाँ देखिए ज़रा लॉक कर देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आती हूँ, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल टू, ठीक है ना। ये लॉक कर दिया मैंने, ये मैंने, हाँ सही है, ठीक है ना। अब मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है ना, और कॉपी करके पेस्ट इन फ्रंट कर दिया, ठीक है। पेस्ट इन फ्रंट करके इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर भी इसमें ग्लोइंग अच्छे से आ जाती है। आप यहाँ पर गार्शियन ब्लर ले लें, गार्शियन ब्लर लेके न्यू इफेक्ट मांग रहा है, ठीक है ना। न्यू इफेक्ट देना है आप यहाँ पर, थोड़ा सा न्यू इफेक्ट दे दें इसे, और यहाँ पर प्रीव्यू देख लें इसका, कि ये थोड़ा सा न्यू इस तरह से ब्लरिंग आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ जाएगी, और यहाँ पर कलर मुझे थोड़ा सा और वो लाइट कर लेती मैं तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पर इसको जो है मैं ब्लर कर देती हूँ, इफेक्ट अप्लाई न्यू इफेक्ट, आप इस पे कई इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से सही है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपकी बन गई है, ठीक है ना, ये चीज़ आपके सामने आ गई है, ये चीज़ आपकी है। अब इसमें जो है ऑल्ट किया मैंने, एक तो ये इफेक्ट आपका आ गया यहाँ पर। अब आप यहाँ आएंगे एडिट कलर में, एडिट कलर में आके यहाँ पर रीकलर करेंगे आप चीज़ों को, ठीक है ना। यहाँ पर ये दो कलर्स हैं आपके पास, ठीक है। अब आपके दो कलर्स आपके पास हैं, आप जो है ये वाले कलर को जो है इसमें ये ग्रीन कलर देना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये ग्रीन आ गया, और ये वाले कलर को भी आप यहाँ पर लाइट ग्रीन देना चाहते हैं, ठीक है ना। ये आ गया, और यहाँ पर ये लाइट ग्रीन का इफेक्ट आपने दे दिया, और यहाँ पर ये जो है आपका डार्क ग्रीन हो गया। अगर मैं देखूँ इसे तो ये क्या देता है मुझे, तो ये ग्रीनिश आपका इफेक्ट देता है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका जो है इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने ब्लर कर दिया है। इसको जो है आपने कंट्रोल वाई रीडू, ठीक है। इसको जो है आपने एडिट कलर में जाना है, एडिट कलर से जो है यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको जो है फर्ज करें, यहाँ पर ये कलर दिया है, तो यहाँ पर जो है आप इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है ना। और ये कलर जो लिया है आपने, इसको थोड़ा, पता नहीं कौन सा कलर लिया था मैंने, खैर अभी मैं देखती हूँ। ये इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन आप और भी अच्छा दे सकते हैं इसको, ये वाले को हटा दें अगर सामने वाले को, तो पीछे वाले से आपका ये इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन जस्ट मैं अभी इसको इतना सीरियस नहीं ले रही, आपने एक ही चीज़ लेनी है और ये। लेकिन आप यहाँ पर आ जाइए फ्री पिक पे, ठीक है। फ्री पिक पे आपके पास PSG के, तो आपको पता है PSG के अगर आपको चाहिए। लेकिन आपने कभी आपने यूज़ किया है इसको भी, इसके लिए ग्लो के लिए? यहाँ पर फ्री ले रही हूँ मैं वेक्टर, ठीक है ना, बस फ्री वेक्टर ले रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, अब आप देखिए कि आपका काम तमाम आसान हो जाएगा। मतलब आपको सब चीज़ें तो आती है ना, कोई मुश्किल आपको, आपको वेक्टर यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना, आपको ये वाला इफेक्ट चाहिए। अब ये सारे इलस्ट्रेटर पे ही बने हुए हैं, आपको इसके अंदर कुछ लिखना है, ठीक है ना। आप इस पर गए और यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। डाउनलोड में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरी चीज़ें डाउनलोड हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जब तक ये होगी तो फिर अगर हो जाएगी हमारे सामने तो हम ले लेंगे। यहाँ पर आपने किस में करना है, EPS में करना है, ठीक है। EPS में डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, जब तक मेरे पास कुछ हैंगे डाउनलोड, अल्लाह तो EPS की है ना, EPS इलस्ट्रेटर पे खुलती है, PSD खुलती है आपके उस पर, हाँ ठीक है ना। डाउनलोड पे आ जाती हूँ मैं, यहाँ पर मेरे पास 2-3 है पहले से मौजूद, मैं उन पर आपको बता देती हूँ। वो भी मेरा अकाउंट इतने सारे डाउनलोड आज की डेट के लिए ख़त्म हो गया है वो, ठीक है ना। मैं दूसरे अकाउंट से कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास है तो मैं
इस पर आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपके पास कोई टेंशन ही नहीं है, वहाँ पर इतने अच्छे इफेक्ट नहीं आते, आप कोई बना बनाए इफेक्ट ले लें यहाँ पर, और लेने के बाद उसको अपना काम करें, लेकिन अपनी जो कलेक्शन है इसका ज़रूर आप अपने पास रखें। ये देखिए खुल गई आपके पास PSD, ठीक है, सही है, ये देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ लेयर पे आ जाइए, लेयर पे आपके पास ये मौजूद है टेक्स्ट, ये और ये बैकग्राउंड है, ठीक है ना। बैकग्राउंड पे आपके पास यहाँ पर ये कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये आप देख लें यहाँ पर, ये और टेक्स्ट में आपके पास कौन सी चीज़ें मौजूद है, ये हैं, और ये आपका कहाँ है जनाब, ये आपका यहाँ पर है। खैर वो तो आप इसको हर तरह से, ये यहाँ पर होगा जहाँ से आपका बंद हो जाएगा कोई टैक्स, अब ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये लाइट, लाइट पे जब आप जाते हैं तो आप लाइट पे आके यहाँ पर ओके कर दें इसे, और यहाँ पर जो है आप इसको यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर अपना वर्ड दे रही हूँ म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा हैवी होता है ये क्योंकि इसमें इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं। ये देखिए हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, ठीक है ना। यहाँ पर आपने अपनी वर्डिंग दे दी यहाँ पर, और ये आपका जो है वर्ड ये पूरा हो जाएगा, जो भी आपने लिखना है, जो भी आपने करना है, ये आपके इलस्ट्रेटर पे इफेक्ट है, ठीक है ना। इलस्ट्रेटर पे ही आपका इफेक्ट है, ये मुझे नहीं लग रहा ये सी क्यों नहीं आ रहा, अभी लोड हो रहा है, ओहो ठीक है। यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है आप आएंगे, यहाँ पर आपने जो है जस्ट कर दिया, ठीक है ना, सही है। अब देखिए ये आपका थोड़ा हैवी बोलिए था, देखिए आ गया आपका, तो आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपकी चीज़ें यहाँ पर सामने आ गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ज़रा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है यहाँ पर, ये जो है ये है, ये जो है ये जो है ये। अब आप यहाँ पर आ जाएं, ये जो है आपका ये बैकग्राउंड है पूरा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर ये चीज़ आपकी कुछ और है, ये चीज़ आपकी कुछ और है, ये चीज़ आपकी, ये चीज़ आपकी, ये चीज़ आपकी, ये चीज़ आपकी, ये नहीं, टैक्स अभी भी देखें आपका वैसे ही बाकी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं हो रहा, यहाँ पर जो है एक मिनट, हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन देख लेती हूँ। अल्लाह, एक तो इसको करने में बहुत मसला है ना, यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसा नहीं अलग से नज़र आ रहा मुझे कि ये अलग से, हाँ बैकग्राउंड पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, आप अपना बैकग्राउंड रख लें, अपना कोई उठा के रख लीजिए बैकग्राउंड, तो आपके पास सब चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ तो इफेक्ट ये हुआ हुआ है ना, यहाँ पर आप अपना बैकग्राउंड रख लेंगे, अपना बैकग्राउंड रख के आप ये हटा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत सारे उसमें ऐसा भी है कि ये अलग से टैक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये पूरा बैकग्राउंड आप करेगा, आप अपना बैकग्राउंड रखेंगे और यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने ले लिया, यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर प्लेस करती हूँ, अगर देखिए, ठीक है ना, उससे अच्छा लग रहा है, सही है। इसको ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के आप लेंगे तो ब्लैक कलर की आ जाएगी, सही है। ये देखिए, ठीक है भाई, ये देखिए आप अपना बैकग्राउंड हटा लगा देंगे तो ये आ जाएगी। इस तरह से आप ये जो है इलस्ट्रेटर में, क्योंकि इलस्ट्रेटर में इतनी सारी चीज़ें देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हाँ छोटा सा इस तरह का आपको इफेक्ट देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। छोटा सा इफेक्ट के लिए कोई मसला नहीं है। ये देखिए ये वाला इफेक्ट जो भी मैंने किया, शायद ये वाला है जो डाउनलोड हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं इसको देखिए ये आ गया है ना। अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, है ना। अगर आप यही वाला इफेक्ट लें और लेने के बाद हम यहाँ पर अगर कुछ टाइप कर दें इसके अंदर, ठीक है ना, ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर, मैं भी जस्ट ऐसे ही ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। इसको कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल दे दें आप,
कोई अच्छा सा कलर दे दें। आप चाहें तो अपना नियॉन ग्लो छोटा वाला आप लगा लें इस पे, ठीक है ना, जैसा अभी बताया। इसमें जो है कलर दे दें कोई भी, ठीक है ना, कलर वाइट, येलो कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये दे दिया आपने, और यहाँ से जो है आपने ये देखिए, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। इसको और बड़ा करके आप इस तरह से, आप चाहे तो थोड़ा सा ग्लू दे लें, जो भी करना है वो कर लें यहाँ पर, और यहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी इस तरह से आ गई। तो आप इस तरह से भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से चीज़ें ले सकते हैं। इस तरह से चीज़ें लेकर आप जो है यहाँ पर जो है इसको कर सकते हैं। इसमें आपको जब भी ग्लो की ज़रूरत हो आप यहाँ पर जाके देख लें आपको किस तरह की नीड है, किस तरह की ज़रूरत है, आप उसको उठाएँ, एडिटिंग करें और अपनी चीज़ें जो है वो इसको करके और रख लें। ये देखिए यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर ये चीज़ है आपकी, तो यहाँ पर जो है आप सिंपल आप जो है यहाँ पर, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लाइट है। और इसमें भी वही है कि आपका बैकग्राउंड, मेरा ख्याल है ये, नहीं बैकग्राउंड नहीं है इसमें, इसमें जो है आपका, देखूँ मैं टैक्स इफेक्ट कौन सा है, ये है, ये है, ये रहा, देखिए अलग से भी दिया हुआ होता है, ठीक है ना। हमने बंद कर दिया, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर मैंने जो है सही TLCC देखा आपने, कोई मेहनत आपको करना पड़ी, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लिया AI, ठीक है, तो बनी बनाई बस यहाँ से जाके इसको एक्सपोर्ट कर लें आप। एक्सपोर्ट है, PNG या जो भी आपको JPEG, इसको देख लीजिएगा बस कितनी है वो ले रही है आपकी, डाउनलोड करें इसे, देखें PNG में आपको बताता है यहाँ पर 500 अल्लाह माफ करें, ठीक है, और ओके कर दें आप इसे, देखते हैं कितनी लेता है, अभी भी काफ़ी ले रहा है, 100 पे जो है ना करके इसको कर लेते हैं, ये देखिए अभी तक कर रहे हैं काफ़ी, 200 पे भी काफ़ी होगी, या तो इसको छोटा कर लें या वो कर लें, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर जो है ये देखिए आप, एक KB में बन गया, देखिए 300 पे भी हो जाएगा ये, अच्छा आ गया, सही है, बस इतना काफ़ी है आपको, आपका मसला सारा हल हो गया, क्योंकि इलस्ट्रेटर में इतनी पावरफुल वो नहीं होती। मैंने तो हाँ डाल सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा बस, बाकी चीज़ें डाले, मैं डाले AI जो बनाएगी उसमें।